नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी है और दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हैं तमाम किसान। किसानों ने एक हफ्ते का समय दिया है। कल किसानों ने बातचीत के बाद अपना जो दिल्ली कूच का इरादा था उसको टाल दिया था, लेकिन दलित प्रेरणा स्थल पर तमाम किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते तक वो यहाँ इंतजार करेंगे, देखेंगे कि उनकी बात पर कितना अमल किया जा रहा है, उनकी मांगों पर कितना अमल किया जा रहा है, उसके बाद वो अगली रणनीति अपनी बनाएंगे। वरुण सिन्हा इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, तो एक हफ्ते के लिए किसान मान गए हैं, अब आगे क्या क्या रणनीति है किसानों की? देखिए, एक हफ्ते वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति रहने वाली है। एक हफ्ते तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सरकार के सामने पक्ष को रखा जाता है। एक हफ्ते में यह तय किया जाएगा कि आखिर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का रुख क्या रहता है। एक हफ्ते में तय किया जाएगा कि आखिर जो ये किसान इस समय यहाँ पर बैठ कर हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में जितना संघर्ष हमने किया है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए, वो परेशानी हल हो जाए, उन परेशानियों से हम बाहर निकलें। और शायद यही हवन समझाने के लिए काफ़ी है कि जो स्थिति बनी है वो स्थिति ये है कि किसान चाहते हैं कि इस एक हफ्ते के अंदर उन्हें वो सब इंसाफ मिले जिसकी दरकार लगातार वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। आप देखेंगे महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का अब जो है वो आह्वान हुआ है, यानी कि सारे के सारे किसान के जो संगठन हैं वो लगातार अब इस मुहिम में है कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जितने किसान हैं उनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाया जाए, उनको कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुकूल उनके मांग को माना जाए। और शायद यही वजह है कि अब तक जो परिस्थितियां रही हैं उसके हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है, एक हफ्ते का समय है, ये कैसे गुजरेगा? बहुत बढ़िया गुजरेगा, जब हमें करना है तो यहीं रहना है। आपको लगता है कि शायद एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? अभी आश्वासन के तौर पे कुछ सोचना है? हाँ। ये तो सरकार को, प्रशासन को सोचना है। हाँ। हमें अपना काम करना है दृढ़निश्चय से होकर। नहीं हुआ तो हम दिल्ली कूच करेंगे, चाहे मर जाए चाहे बचे, ठीक है, हम मानेंगे नहीं। यदि इनको टाइम दे दियो, यही टाइम दे रहे हैं, 4 साल से टाइम दे रहे हैं, 1-1 महीनों को, और फिर करे ना हो कुछ भी। अथॉरिटी वाले झूठ बहका दें, उठा दें, अब कहीं उठने वाले नहीं है ना। जाने इस बार जो डिमांड है वो सबसे पहली डिमांड कौन सी, भाई ये काम तो करवाना। 64% दो भाई ने दे दिए, एक नहीं दियो। 10% दो भाई ने दे दिए, एक नहीं दियो। डिमांड हमारी कुछ नहीं है, जो इन्होंने बीच में छोड़ रखे मुद्दा वही डिमांड हमारी। बस सबकी जमीन गई है, सब ही तो मिलना चाहिए हक, हमको नया मुद्दा नहीं है हमारा। दो भाई ने दे दिए, एक नहीं दियो। एक दे दियो, दो ने नहीं दियो। 64-1 दे दियो, दो ने 10% दे दियो, और यही काम करते रहे, बताओ कैसे करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कल जो भीड़ थी वो भीड़ ये समझाने के लिए काफी है कि आंदोलन बढ़ेगा, या आज थोड़ी भीड़ कम नजर? अभी देख लें, अभी थोड़ी देर और बात रुको, भीड़ उतनी होनी है अभी। हाँ, जिस दिन अनाउंसमेंट होगा ना दिल्ली को, बाद में देखे जगह भी नहीं मिलेगी। अभी एक हफ्ते का समय थोड़ा इंतजार रहेगा। नहीं, आप 1:30 बजे की फिर मीटिंग है आज, तो वास और मालूम पड़ जाएगी इनकी क्या नीति है। 1:30 बजे के बाद तय किया जाएगा क्या होगा। हाँ, 1:30 बजे के बाद फिर तय। केवल एक हफ्ते में प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत ऐसी आ रही है, जैसे कि आज बात की जाएगी, कल बात की जाएगी, अथॉरिटी से कोई बातचीत हुई? बातचीत करता रहेगा ना, वैसे हम अपने कदम बढ़ाते रहेंगे। यदि ये शासन ठीक है तो हम यहाँ से उठ जाएंगे, हमारी लिखित में मांग पूरी कर देगा। आप देखेंगे तमाम लोग फिलहाल यहाँ पर इस समय हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय की हाल स्थिति आपके सामने है। साफ तौर पे कहा जाए तो शायद किसान जानते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं, जो हालात बने हैं, उससे निकलने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं। सर, कौन सा गांव है अपना? निठारी गांव है नोएडा में भैया। और कितनी जमीन गई लगभग इसमें आप लोगों की? जो हमारा 1976 से 1997 तक पूरा नोएडा ही एक बार हो गया था, और उसमें भी इन्होंने कोई प्लॉट, इन्होंने भूखंड ऐसा विकसित करके नहीं दिया। जो भूमि हमारी इन्होंने ली उसके बदले नहीं, हाँ 10% मतलब हमारे नोएडा में 1976 से 1997 के किसानों को कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। अब जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त किसानों के लिए लगभग 10% विकसित भूखंड की मांग है, और ये प्रमुख मांग है। इसमें सब लोग जो है आ जाएंगे, अगर गवर्नमेंट मन बना ले दे दे तो सबका भला इसमें होना निश्चित है। एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ता ये कैसे गुजरेगा, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग? देखिए, हम 25 तारीख से लगभग बाहर हैं। 25 तारीख पहले हम नोएडा अथॉरिटी पे 3 दिन बैठे,
उसके बाद चार दिन यमुना प्राधिकरण पे बैठे और कल 2 तारीख को दिल्ली कूच था, लेकिन यहाँ सहमति कुछ ऐसी बनी कि भाई बैरिकेटिंग इन्होंने जगह जगह लगा दी। तो फिर शासन प्रशासन के लोगों ने निवेदन किया कि हम एक मुख्य सचिव से आपकी वार्ता कराने का प्रोग्राम 6-7 दिन में बना देते हैं, तब तक आप जो है आप यहीं रुक जाओ। वो तो कह रहे थे वापस चले जाओ, लेकिन हमारे जो अगवा हैं किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ ही बैठेंगे और हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मन बना के आए, संकल्प लेके आए और हम दिल्ली जरूर जाएंगे। जरा देखिए तैयारियां पूरी हैं, आपको याद होगा किसान आंदोलन, उसी तरीके से यहां पर ट्रैक्टर आ चुके हैं, उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे सीधे तौर पर खाने पीने का सामान आ चुका है और व्यवस्थाएं किसान लगातार अपनी करके आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच के आए कि अब यहीं रहना है। सोच के आए हैं, इसलिए आए हैं कि किसानों का भला हो जाए, किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। जो सरकार ने हमारा 10% प्लाट है उसको नहीं दिया, 64% पर 7% मुआवजा उसको नहीं दिया। भाई किसान कोई मजा थोड़ी, किसान सड़क पर आएगा, रोड पर आएगा। किसान के भी बच्चे हैं, वो भी अपने घर में रहना जानता, लेकिन किसानों के घर भी छीने जा रहे हैं, किसानों की जमीन छीन ली, उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या करें बताओ। शायद परेशानी है विपनेश, और यही वजह है कि अन्नदाता लगातार एक समझता और समझाता हुआ नज़र आ रहा है कि इस बार कम से कम कोई ठोस कदम उठाया जाए, कोई ठोस बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए नतीजों के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। शायद ये परिस्थितियां समझा सकती हैं कि एक तरफ जहां हवन के जरिए ईश्वर से दुआएं की जा रही हैं, भगवान से दुआएं की जा रही हैं कि कम से कम कोई सुने ना सुने, आप सुन लीजिए और अधिकारियों में ये बुद्धि आए, ये चीज़ें हों कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, इंसाफ की बात जो लगातार चीज़ें हो पा रही हैं उस पर बातचीत हो, बातचीत के जरिए कोई हल हो। दूसरी तरफ लगभग वही स्थिति, तैयारियां यहां पूरी हैं किसानों की, यहां रुकने की कोशिश उनकी ये है कि चाहे कितने दिन बिन रुकना पड़े वो तैयार रहेंगे। एक हफ्ते की बात ज़रूर है, लेकिन आज 1:30 बजे जो मीटिंग है उसमें ज़रूर तय किया जाएगा कि आखिर कल जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन के आधार पर किस तरीके से अब तक सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से या फिर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई बातचीत का निर्णय लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। विपनेश वरुण, अभी आप एक किसान से बात कर रहे थे तो वादा जमीन के बदले मुआवजा देने का था, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि फैमिली में अगर 2 हैं तो एक को मुआवजा दे दिया है, किसी को 10% दिया है, किसी को 20% दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसा जिम्मेदार नुमाइंदा मिला शासन प्रशासन की तरफ से जिससे आपने बात की हो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? और आप किसानों से बातचीत कीजिए इसी मुद्दे पर आगे। देखिए ये अनियमितताएं हैं और शायद यही वजह है कि लगातार किसान इस बात को उठाते नजर आ रहे हैं कि परिवार में मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, एक भाई के पास 5 गई, दूसरे भाई के पास 5 गई और बंटवारा हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ सीधे तौर पे कहा जाए तो किसान ज़रूर इस बात को समझते। एक सवाल मेरा आपसे है कि कई बार ऐसा देखने को मिला कि एक भाई को पैसा मिल गया, दूसरे भाई को मुआवजा नहीं मिला। ये तो हमारी लड़ाई, जो कोर्ट चला गया उनको लाभ मिल गया, जो कोर्ट नहीं गया उसको लाभ नहीं मिला। ये कोर्ट चला गया 10% को लेकर उसको 10% मिलेगा, और जो सरकार की पक्ष में था घर बैठा था उसको कोई लाभ नहीं मिला। तो आप लोगों ने अथॉरिटी के सामने इस बातचीत को रखा? अथॉरिटी के सामने रखते हैं, अथॉरिटी कहते हैं देते हैं, अभी टाइम लगेगा 2009 से लेकर 2024 भी खत्म हो गई। वरुण आते हैं, कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ रही है।